इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसी शायर ने शायद ये सही कहा है कि जब इश्क परवान चढ़ता है तो प्रेमी जोड़े सारी हदें भूल जाते हैं। सिर्फ एक चाहत होती है कि मोहब्बत को मुकम्मल करना, अपने प्रेमी को पाना। प्रेमी को पाने के लिए एक प्रेमिका ने कैसे धर्म की दीवार तोड़ते हुए, अपनी सीमाओं को लांघते हुए अपने प्रेमी को पा लिया है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं वार्ता 24। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली, जिसके थाना क्षेत्र शेखगढ़ अंतर्गत रहने वाली फरहाना, जी हां, मुस्लिम धर्म में जन्मी फरहाना, जिसने अब इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपना लिया है। दरअसल फरहाना कुछ समय पहले गांव के ही वीरेन से मिली, दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर शुरू हो गई वो प्रेम कहानी। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले वीरेन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की थी कि फरहाना उसके धर्म से विपरीत थी। इस प्रेम कहानी में फरहाना ने सनातन धर्म अपनाया और फरहाना से सरस्वती हो गई। इसके बाद वीरेन ने 7 फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज से फरहाना के संग शादी की। अब फरहाना सरस्वती बन चुकी है। फरहाना ने बताया कि उसे बचपन से ही भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने में बड़ी रुचि थी। वो बचपन से ही कृष्ण दीवानी थी और उसे सनातन से बहुत प्रेम था। अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए फरहाना ने सरस्वती बनने के बाद खुशी का इजहार किया है। हालांकि इस मामले में फरहाना के परिजनों ने शेखगढ़ थाने में धीरेंद्र के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि इस मामले में फरहाना के परिजनों ने पति वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, तो वहीं फरहाना से सरस्वती बनी बेटी का भी कहना है कि उसे अपने मां बाप से अपनी जान का खतरा है। जिस तरह उसने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म के लड़के से शादी की है, इससे उसे जान का खतरा है। इस मामले में हिंदू संगठन ने दखल दिया और दोनों की शादी कराने के बाद अब उन्हें आला अधिकारी के सामने पेश किया गया है। बेटी फरहाना से सरस्वती बनी लड़की का कहना है कि वो बालिग है और अपना अच्छा बुरा जानती है। वो जानती है कि किस तरह उसने अपने पुराने दिनों में मुश्किलों का सामना किया था। फरहाना की माने तो उसके घर वालों ने उसे जबरन 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई कराई, जबकि वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी शिक्षा भी बंद करा दी। और फरहाना के मन में जो बचपन से सवाल था, उसने भी अपनी बात को साझा किया है। फरहाना ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद शादी करने के साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि अब उसे ना तो 3 तलाक का डर है, ना ही हलाला का। फिलहाल फरहाना और वीरेंद्र गांव छोड़कर शहर में रह रहे हैं, जहां वो अपनी खुशियों का नया घर बसाने का सपना देखते हुए आए हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।